Everyone, today I'll discuss about Oersted experiment. Previously, we discussed about magnetic field lines, magnets, and its applications. So now, we'll discuss about it. Oersted experiment. Ek kya experiment kiya tha? Ki when current passing through a conductor, then there in surrounding magnetic field will develop. मतलब क्या होता है कि when current passing through a conductor like this, यदि current इसमें pass कर रहा है किसी भी conductor में, तो उसके अराउंड तुम उसके बगल में या तो उसके पीछे आगे कहीं भी एक कंपास को रख के देखो तो उस कंपास में हमको एक डिफ्लेक्शन मिलता है. यदि कंपास में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि कंपास क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट है. कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट. तो हम जानते हैं कि वो मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट कर सकता है जब दूसरा कोई मैग्नेट उसके अराउंड आएगा, उसके सामने आएगा कोई दूसरा मैग्नेट तभी वो डेवलप डिफ्लेक्ट कर सकता है. तो जब इसमें करंट पास करा गया, मतलब किसी भी वायर में करंट पास करा गया, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, एक सर्किट था, मतलब करंट उस वायर में पास कर रहा था, उसके बगल में एक कंपास को रखा कुछ स्टेप से. तो देखा क्या कि जैसे ही करंट के मतलब इसके बगल में रखा तो ये डिफ्लेक्ट कर गया. ये जो देख रहे हो आप पिन, एक साइड मान लो नॉर्थ है और दूसरे साइड साउथ है, तो ये जो है सो ईस्ट वेस्ट की तरफ हो गया, ईस्ट टू वेस्ट चला गया. तो इससे पता क्या चलता है कि 100% जब करंट किसी भी कंडक्टर में पास होता है तो उसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो वो एक्सपेरिमेंट वहाँ से पता चला उसको. तो ये क्लियर हुआ. अब पता इसको करना था कि उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा कि यदि बनता है तो किस टाइप से बनता है, मतलब किस डायरेक्शन में बनता है. उसको फाइंड करने के लिए एक क्या लिया, कार्डबोर्ड लिया, कुछ इस टाइप से कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड को होल किया, होल करके एक वायर को पास कर दिया कुछ इस टाइप से, और यहाँ से फिर इधर जा करके इसको हम लोग चाहें तो बैटरी से कनेक्ट कर दे सकते हैं इसको. तो यहाँ से बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया कुछ इस टाइप से, ठीक है. तो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, हम लोग को पहले से पता है. तो करंट कुछ इस टाइप से मूव करना इसमें स्टार्ट हुआ. और क्या किया, इस कार्डवुड पे यहाँ पे क्या किया, वो आयरन ओर को छिड़क दिया, पूरा आयरन ओर को इसके ऊपर रख दिया, फैला दिया पूरा इस तरह से आयरन ओर को. तो उसके बाद क्या पाया, वो जब करंट इसमें पास हुआ तो मतलब क्या है कि पहले स्विच को ऑफ रखा हो, मान लो यहाँ पे स्विच हम बना देते हैं, तो स्विच को पहले ऑफ रखा था, इस पर आयरन ओर पूरा छिटक दिया, इस पूरे बोर्ड पे कार्ड ये क्या बोलते हैं आयरन ओर्स को, छोटे छोटे टुकड़े को, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया, पूरा छिड़क दिया उस पर. अब करंट को पास किया, मतलब इस स्विच को ऑन कर दिया तो करंट इसमें पास होना स्टार्ट हो गया. तो क्या देखा वो कि जो आयरन ओर्स था वो कुछ इस टाइप से अरेंज हो गया, यहाँ पे देख सकते हो हम डायग्राम बना रहे हैं, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल की तरह अरेंज हो गया था, कंसेंट्रिक सर्कल दिस वे, ऐसे कुछ इस टाइप से अरेंज हो गया. तो इससे पता क्या चल रहा है कि जब मैं किसी भी वायर में करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस टाइप से बनता है, इसके अराउंड चारों तरफ इस तरह से बनता है, और वो भी कंसेंट्रिक सर्कल की तरह, मतलब पहले इतना फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 इस तरह से बढ़ता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या होगा कि जितना करीब होगा वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और फिर और जब दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा, ठीक है. इससे रिलेटेड फार्मूला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप जान लो इतना कि यदि नियरेस्ट है तो स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यदि फार है तो वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड. बट उसका हमको यहाँ पे फिलहाल स्ट्रॉन्ग और वीक से मतलब नहीं है, फिलहाल किस तरह का ओरिएंटेशन हो रहा है वो चीज़ देखना है. तो ओरिएंटेशन किस तरह से हो रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, लाइक दिस. अब बात आई कि ठीक है चलो हम लोग को पता ये चल गया, ओएसटेड एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या है, करंट जब किसी वायर में पास हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. कार्डवुड भी देखा तो यहाँ पे हमको पता चल गया सारा चीज़ की ठीक है कुछ इस टाइप से वो मतलब कंसेंट्रिक सर्कल के शेप का बन रहा है. तो अब ये बात आती है कि डायरेक्शन जो बन रहा है इसमें, मतलब किस डायरेक्शन में, मान लो इसमें करंट मूव कर रहा है, सर्कल बना रहा है, तो किस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब एक क्लॉक वाइज बन रहा है या एंटी क्लॉक वाइज बन रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग. अब यदि ये ऊपर की साइड है तो इसमें तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज देख सकते हो, इसमें क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज बन रहा है. उसको पता करने के लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. उसको एक्सपेरिमेंट किया कौन, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मतलब दूसरा साइंटिस्ट आया उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए. मतलब वो क्या है, ओर्स्टेड उतना ही बता पाया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बस करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा बनता है. अब डायरेक्शन बताने के लिए हमारे मैक्सवेल आए, मैक्सवेल, ग्राहम मैक्सवेल, और उसने दिया राइट हैंड थंब रूल, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल दिया था. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, राइट हैंड थंब रूल, उसने रूल को यहाँ पे डेवलप किया. वो रूल किस तरह से बना वो देख सकते हो. सबसे पहले क्या किया ना कि एक कार्डबोर्ड पे ही वो क्या किया, कॉम्पास को रख के देखा,
हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ पे था एक कंपास को इस तरह से अरेंज किया इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे, कि पूरा टच करते करते जिस जिस डायरेक्शन, मतलब कि कंपास को रखते गया रखते गया रखते गया, तो वो क्या है ना, उसको पता चल गया डायरेक्शन, एक्चुअली डायरेक्शन से उसको पता चल गया कि ठीक है क्लॉकवाइज जब हम करंट ऊपर की तरफ जाता है, इसमें करंट मतलब अभी किधर जा रहा है, इधर देख सकते हो करंट इधर से आ रहा है डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो करंट जब डाउनवर्ड की तरफ जाता है तो उसको पता चला कि क्लॉकवाइज है। एक थियोरेटिकली हम यहाँ पे बस सोच के बता रहे हैं कि दिस इज़ द क्लॉकवाइज, और कंपास रखने के बाद उसको पता चला कि ये क्लॉकवाइज है। और यदि करंट वही यदि इसका यहाँ पे फेस अपोजिट कर दें, मतलब बैटरी को हम चेंज कर दें इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो क्या मिला कि जो है सो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ पे बन रहा है। तो इससे भी वो कंफर्म नहीं हो कि कंपास बार बार इंसान कितना रख के देखेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक दे के चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो समझो इसको, राइट हैंड थंब रूल, आप राइट हैंड देख सकते हो, कुछ राइट हैंड इस तरह से है, राइट हैंड दिस इज द राइट हैंड, और राइट हैंड आप लेफ्ट हैंड मत ले लेना है तो पूरा थ्योरी गलत हो जाएगा। दिस इज द राइट हैंड, आप ये थंब बना, थंब कौन सा, ये हो गया थंब आपका, तो इसमें क्या है कुछ इस टाइप से मुट्ठी बना लेना है, मुट्ठी बनाओ। तो ये जो थंब है, थंब हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि किसी वायर के लिए बात करें हम, यदि कोई स्ट्रेट वायर का बात करें जिसमें करंट मूव कर रहा है, और यदि करंट का डायरेक्शन ये थंब रिप्रेजेंट करे, आई मीन दिस वन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन ये कर्ल जो दिख रहा है आपको, दिस वन कर्ल आई मीन फिंगर का जो दिख रहा है आपको मुड़ा हुआ फिंगर्स, ये दिस वन फिंगर, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको ये फिंगर्स दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फिंगर्स, मतलब, और मतलब व्हेन करंट पासिंग थ्रू द थंब दिस वन थंब देन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड इट। अब पेन को पकड़ लो सीधा इस तरह से, मतलब एक पेन को समझ लो कि वायर है, दिस वन पेन, दिस वन इज द वायर सपोज, तो वायर का देख सकते हो कि डायरेक्शन किधर है, मतलब करंट हम इधर से दे रहे हैं तो इस साइड से तो करंट किधर किधर जाएगा, ऐसे जाएगा थंब की तरफ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कर्ल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या किस तरह से बन रहा है आप देख सकते हो, सर्कल टाइप से बना, तो ये सर्कल टाइप से बना। अब ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज तो बहुत ईजी है समझना उसको, बहुत ईजी देख सकते हो आप, ये देखो ऐसे हम रख दिए, सपोज करो कि जो करंट है वो डाउन से अप जा रहा है, डाउन टू अप, डाउन टू अप, तो डाउन टू अप है, तो डाउन टू अप में तुम देख सकते हो ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। अब देख सकते हो डाउन से अप जब करंट आ रहा है हमारा, डाउन टू अप, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए हम पहले ही बोल दिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, मतलब वहाँ से ही हम बता दिए थे आपको, लेकिन आप यहाँ एक्सपेरिमेंटली आप हाथ में ही सारा ये चैप्टर पूरा है ना मेरा हैंड में ही रहता है, पूरा हैंड से ही आप इस पूरे चैप्टर को डील कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो कि ये जो है फिंगर्स, फिंगर्स क्या दिखा रहा है हमको, मैग्नेटिक फील्ड, और ये पेन ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आप देख सकते हो अप टू डाउन, क्या बोले हम, डाउन टू अप, तो डाउन टू अप में कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, इट मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन, ये डाउन है ये अप है, दिस इज द डाउन दिस इज द अप, तो डाउन ये क्या है अप, डाउन टू अप, तो कैसा बनाएगा मेरा यहाँ पे एंटी क्लॉक, और उसी के जस्ट अपोजिट यदि रहा तो क्या बनाएगा क्लॉक, मतलब अप टू डाउन दिस वन, ठीक है। मतलब डायरेक्शन यदि आपको पता करना हो मैग्नेटिक फील्ड का तो आप कुछ इस टाइप से पता कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉक वाइज वेन डायरेक्शन ऑफ करेंट विल बी डाउन टू अप, एंड वेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज अप टू डाउन देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉक वाइज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख सकते हो आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कुछ इस टाइप से, दिस इज डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से दिखाओगे आप, इस तरह से कुछ दिखा सकते हो, दिस वन ऐसे, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है इसमें दिखाना है तो कुछ इस टाइप से दिखा सकते हो, दिस इज द क्लॉकवाइज, क्लियर। तो कुछ इस टाइप से हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में बनता है जब करंट पास होता है। हम यहाँ पे सर्किट आपको बना के नहीं दिखा रहे हैं, बस करंट आप जान लो किस वायर में जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे बैटरी जोड़ के ही दिखाएं तो आप बोलेंगे करंट इसमें जा रहा है, बस मान लो कि इसमें सेल लगा हुआ है, ठीक है, तो किस टाइप से करंट जाता है, तो बस समझने के लिए हम लोग का कुछ इस टाइप से ओरिएंटेशन है।
ठीक है। बुक में आप जब देखोगे तो बुक में थंब भी बनाया हुआ रहता है, कुछ हाथ से इस तरह से कुछ बना करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स से इससे रिलेटेड अब बात क्या है, अब यहाँ पे हम लोग वायर तो देख लिए कि ठीक है स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में हम डायरेक्शन को फाइंड कर लिए बहुत इजीली, इस थंब रूल को अप्लाई करके हम लोग डायरेक्शन को फाइंड कर लिए कि एंटी क्लॉक वाइज है या क्लॉक वाइज है या फिर किस डायरेक्शन में है, आप यहाँ पर देख लिए, ठीक है। मतलब क्या है कि जब डायरेक्शन में सीधा डायरेक्ट आप थंब को रख दो, एक कर्ला आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, बस आप जैसा भी जिधर भी रखो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि यदि ये वायर स्ट्रेट ना हो करके रिंग शेप का हो तब क्या करोगे, तो रिंग शेप का होगा तो 100% जो करंट है वो हमारा सर्कुलर हो जाएगा, मतलब रिंग शेप का होगा तो हमारा मतलब क्या है कि अब पूरा रिंग तो बना नहीं सकते हम, करंट मूव कराने के लिए कुछ स्टेप से छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा गैपिंग छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सर्किट कुछ स्टेप से लगा देंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करो कुछ स्टेप से, ये रहा पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव करंट कुछ स्टेप से आ रहा है, ऐसे करंट कुछ इधर जा रहा है, देखो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें हम लोग ले लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा गैपिंग छोड़ दो क्योंकि दोनों टच तार दोनों वायर को टच करा देंगे तो फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो देखो दिस इज द, अब बैटरी को हम लोग इधर डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, तो देखो इधर करंट आएगा, दिस इज द क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या है कि पहले था मेरा कि करंट जो है सो स्ट्रेट वायर में कुछ जा रहा था उस टाइप से, अप टू डाउन, डाउन टू अप, जो भी है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो मेरा यहाँ पे जिस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसी टाइप से अब हमारा करंट मूव करने लगा है, तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में क्या होगा, तो आप थोड़ा सा सोचो इस पॉइंट पे। देखो हम यहाँ सोचते हैं कि मान लो इतना कट करते हैं, थोड़ा सा वायर को कट कर लो इतना दूर, तो आप मान लो इसको सपोज कर लो कि ये स्ट्रेट वायर है, दिस इज द स्ट्रेट वायर, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वायर है, यदि ये स्ट्रेट वायर है तो आप हाथ को कुछ टाइप से रख सकते हो ऐसे, तो देखो किधर करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, करंट मेरा किधर निकल रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट बनेगा कुछ टाइप से बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ टाइप से बनेगा, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, आउटवर्ड ऊपर की तरफ आएगा, है ना, आउटवर्ड। उसी तरह से पूरे वायर में कहीं भी लेंगे तो हमको किस तरफ से मिलेगा, मतलब ये आउटवर्ड ही मिलेगा, बाहर की तरफ ही मिलेगा। जब ये बाहर की तरफ मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि पूरे इस वायर में जहाँ भी बनेगा वो किधर बनेगा, आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो बाहर जब बाहर को जो निकलता है उसको रिप्रेजेंट कुछ टाइप से किया जाता है, फिजिक्स में कुछ टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड गोइंग टू आउटसाइड, मतलब यहाँ से आउटसाइड। यदि हम बीच में ही बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, देखो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सिंबल फॉर आउटसाइड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है मेरा। तो आउटसाइड जब निकल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैग्नेट यदि इस टाइप का है मेरा कुछ टाइप से, इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, और किधर जाना चाहता है वो, साउथ की तरफ जाना चाहता है। तो 100% यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है, तो ये जो है हमारा किस तरह का ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ आप देख सकते हो कि नॉर्थ से निकल रहा है, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब नॉर्थ है 100% बाहर की तरफ, आउटवर्ड ये आ रहा है, फिर वहाँ जाके मतलब उस पॉइंट पे फिर जाके मिलेगा तब साउथ के पास जाएगा, मतलब इस ये पॉइंट जो फ्रंट वाला पॉइंट है दैट इज द नॉर्थ, तभी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे फ्रंट यहाँ से निकल रहा है दैट इज द नॉर्थ से निकल रहा है, फिर वहाँ से ये पूरा सर्किट ये पूरा को कंप्लीट करता है, मतलब इस पूरे को एक राउंड कंप्लीट करेगा तब ना साउथ से मिलेगा जा करके। तो फ्रंट वाला पार्ट कौन सा दिखा रहा है, नॉर्थ, तो नॉर्थ को ही तुम देखो, इसका इसके जो लास्ट पॉइंट है उसको तुम इस तरह से कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, तो क्या दिखा रहा है तुम देख सकते हो यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, दिस वन नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या है कि व्हेन करंट पासिंग थ्रू द वायर इन एंटी क्लॉकवाइज देन आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, सामने आपका नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला आंसर आपका ये होगा कि किसी भी रिंग में यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज में करंट मूव करता है तो सबसे पहले आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड,
आउटवर्ड मतलब इन साइड से जो आउट आउट की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड ऐसे बोलना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्या है, किस पॉइंट किस पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ऐसा पूछा जाए आपको क्वेश्चन कि विच पोल रिप्रेजेंट ऑन दिस व्हेन करंट पासिंग थ्रू एंटी क्लॉकवाइज इन योर रिंग, यदि किसी भी रिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो हमारा जो पोल है वो किस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे किस पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे नॉर्थ पोल। अरे नॉर्थ, देखो किस तरह से एक ट्रिक है ये कि नॉर्थ पोल हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक ये जो एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, और ये एन जो है वो दैट इज द पोल, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट का पोल बता रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड का पोल नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमको पोल रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, नॉर्थ। तो 100% यदि ये एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बता रहा है तो क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा हमको, साउथ मिलेगा। कैसे देख सकते हो आप, इस पॉइंट पे कट करो, ये स्ट्रेट वायर है, अब हाथ को कैसे रखोगे, ऐसे देख सकते हो, ऐसे तो ये सॉरी ऐसे रखोगे कुछ टाइप से, तो किधर जा रहा है अब इनवर्ड जाएगा, इनसाइड, मतलब यदि इसमें आउटवर्ड है तो इसमें क्या होगा, इनवर्ड। इनवर्ड को क्रॉस से दिखाया जाता है, इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन क्रॉस रिप्रेजेंट इनवर्ड, इनसाइड या तो इनवर्ड, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा जब करंट इसमें क्लॉक वाइज जाएगा, व्हेन करंट पासिंग थ्रू ये रिंग इन क्लॉक वाइज देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। इस रिंग में जो होगा वो कैसा डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसी को यदि हम इस वायर को मतलब इस रिंग को एक कॉन्सेप्ट और बता दूँ कि इस रिंग को यदि हम इधर से देख रहे हैं तो हमको कैसा दिख रहा है, इनवर्ड, इधर से देख रहे हैं तो ये क्या यहाँ पे नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन कोई आदमी जाकर के उस साइड से देखे इसको, उस साइड से, तो उसको नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, उस साइड से देखेगा तो डायरेक्शन उसको कैसा दिखेगा, अभी देख सकते हो तुम, क्लॉकवाइज दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है तुमको इस साइड से, इधर से तुम यदि देख रहे हो तो तुमको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज, लेकिन अपोजिट साइड से जाकर देखोगे तो तुमको कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ। मतलब ये दोनों को मतलब समझ लो एक तरह से पलट के हम दिखा रहे हैं, ठीक है, बट चीज़ एक ही है, ठीक है, सारा हाथ में है आपका। आप अब क्या करो, एक ट्रिक और भी ले लो, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि आउटवर्ड हो रहा है तो नॉर्थ है और इनवर्ड है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ। साउथ कैसे देखो, एस बन रहा है ना, एस और एस फॉर साउथ, तो एस का देखो कैसे, इसका यदि हम किनारे पॉइंट को यदि हम इस तरह से बना दें तो देखो क्लॉक वाइज बना रहा है, मतलब व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑल्सो दिस वन रिप्रेजेंट द साउथ पोल, ठीक है। रिंग के लिए हमारा जो आउटवर्ड होगा तो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है और इनवर्ड होगा तो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, आपका इसी में ट्रिक है, एन और एस में ही सारा ट्रिक मेरा छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कंसेप्ट है, और एक और कंसेप्ट यदि तुम लेना चाहो तो और ले सकते हो, इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए आप एन और एस से यदि आप आपको यदि प्रॉब्लम है तो एक और आपको हम ट्रिक बता दूं कि आप थंब रूल को जानते हो, दिस वन थंब रूल, तो क्या है ना कि इस कर्ल को तुम क्या मान लो, अब करंट मान लो, दिस वन कर्ल इज द करंट एंड दिस वन थंब इज द मैग्नेटिक फील्ड, अपने से आपको पता चल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ टाइप से होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड मिल रहा है, और उसी को यदि हम उसके अपोजिट कर दें क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कुछ टाइप से होगा, क्लॉकवाइज तो किधर हो रहा है, इनवर्ड, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे तीन ट्रिक आपको बताए टोटल, एक इसको यदि आप करंट मान लो, मैग्नेटिक फील्ड जो पहले बन रहा था उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा कंडीशन है, तीन कंडीशन टोटल यहाँ पे है। पहला आप एन को ही कुछ स्टेप से कर लो, ये ट्रिक से आपको क्या पता चल रहा है कि करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे क्या पता चल रहा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि यदि आउटसाइड इनसाइड हमारा कुछ स्टेप से यहाँ पे कट करके भी हम समझा दिया आपको, कट करके आप स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, और यदि और आसान करना है तो कुछ ये तरीका आपका अभी जो बताया जस्ट उसको अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारा फंडा है कुछ समझने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है, बस एक नंबर का क्वेश्चन स्टेप से आता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए थ्योरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है सोलेनोइड। सोलेनोइड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यदि कंसेप्ट आपको पता मतलब अच्छे से समझ में आया तो आगे भी आपको अच्छे से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, सो देख एक बार फिर से हम रिकैप कर दूँ। पहला क्या था, पहला ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या दिया कि किसी भी कंडक्टर में व्हेन करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर देन देयर सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, मतलब उसके सराउंडिंग में क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। वो डायरेक्शन को पता करने के लिए तो नहीं, लेकिन सबसे पहले वो क्या किया है, कार्डवुड लिया। कार्डवुड में क्या है, करंट कुछ स्टेप से पास कराया और उसके ऊपर आयरन ओर्स को रखा। आयरन ओर्स को रखने के बाद करंट उसमें पास करा दिया। करंट पास कराने से कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया, आयरन ओर्स छोटा छोटा टुकड़ा कुछ इस तरह से अरेंज हो गया, बट यहाँ पे डायरेक्शन उसको पता नहीं चला, ठीक है। डायरेक्शन पता करने के लिए मैक्सवेल आया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड थंब रूल में क्या किया, राइट हैंड थंब रूल देने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, कंपास को रखा गया था, इस लाइन पे ही कंपास को रखा गया, तो कंपास डायरेक्शंस को दे दिया। लेकिन कोई भी इंसान बार बार कंपास रख करके तो पता नहीं करेगा, उसके लिए एक ट्रिक दिया, उसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि आपका जो थंब है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर स्ट्रेट वायर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का सॉरी स्ट्रेट वायर, जब व्हेन करंट पासिंग थ्रू स्ट्रेट वायर देन हम लोग जो है थंब है, थंब इज द स्ट्रेट वायर सपोज कर लो, और ये दिस वन फिंगर जो है वो क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर ओनली, ठीक है। और उसी के अपोजिट हमारा क्या था, ये रिंग, रिंग के रिंग में क्या है, रिंग में तुम इस कर्ल को ही तुम क्या कर लो, कर फिंगर जो है फिंगर को करंट मान लो और ये थंब को क्या मान लो, मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड इनवर्ड तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। बट यदि आउटवर्ड है तो कौन सा है, नॉर्थ पोल, ये तुमको पता रख हमेशा माइंड में रखना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आउटवर्ड निकल रहा है मतलब नॉर्थ पोल हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन पॉइंट इज द नॉर्थ पोल, और यदि इनवर्ड जा रहा है तो दिस वन पॉइंट इज द साउथ पोल, ठीक है। ये हमको यहाँ से पता चलता है कि क्लॉक वाइज है, एस से क्लॉक बन रहा है, ये नॉर्थ इसलिए आउटवर्ड इसलिए है क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज तभी तो आउटवर्ड हो रहा है, और एंटी क्लॉक का हमें कौन बना रहा है, एन बना रहा है, ठीक है। एन इज द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ करेंट, N is the anti-clockwise, S is the clockwise. So this is all about today's lecture. So thank you for watching.